हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम तिल की बिना घी, बिना चाशनी, बिना जमाए बहुत ही आसान केवल 8 से 10 मिनट में बनने वाली मिठाई बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग ये मिठाई बनकर तैयार होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन में 2 कप या 250 ग्राम सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो तिल को हमें लगातार चलाते रहना है। जैसे ही तिल चटकने लगेंगे और तिल फूल जाएंगे तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और तिल को हम निकाल कर ठंडा करेंगे। तिल जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो अब हम इसमें से 3 से 4 चम्मच तिल को अलग निकाल कर रखेंगे। बाकी की तिल को हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तिल को पीसते समय हमें मिक्सी को रुक रुक कर चलाना है ताकि तिल का पाउडर अच्छे से बन सके। इस प्रकार से तिल को हमने बारीक पीस लिया है। पीसते समय एक साथ मिक्सी को चलाएंगे तो तिल में ऑयल रिलीज होगा और तिल का पेस्ट बन जाएगा, तो तिल को अब हम अलग रखेंगे। अब हम गैस ऑन करके पैन में 100 ग्राम मावा डालेंगे। मावे को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। दो से तीन मिनट मावे को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम चीनी, जिसे हमने पीस कर लिया है। इस मिठाई में हमें चीनी का पाउडर बनाकर ही डालना है। साथ में डालेंगे 1 चम्मच दूध। दूध हमें 1 चम्मच और भी लगेगा, तो वो हम बाद में डालेंगे। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी का पाउडर डालने से ये तुरंत मेल्ट हो जाएगी, तो हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। यहाँ पर मैंने काली वाली बड़ी इलायची का पाउडर डाला है, आप इसमें हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायची के पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें तिल का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिश्रण थोड़ा सा ड्राई है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच दूध और डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही तिल का मिश्रण इकट्ठा होकर एक डो के रूप में हो जाएगा तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे 1 मिनट और हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे। 1 मिनट बाद अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे और अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। और अब हम इसे घुमाते हुए गोल कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा मेल्टेड घी लगाएंगे ताकि बेलते समय ये चिपकेगा नहीं। और अब हम इसे बेलेंगे। बेलन को भी हमने घी से ग्रीस करके लिया है। हमें इसे ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा रखते हुए नहीं बेलना है। बेलने के बाद अब हमने जो तिल बचा कर रखे थे वो तिल इस पर स्प्रिंकल करेंगे। तिल हमें सभी जगह पर अच्छे से स्प्रिंकल करना है। अब हम तिल को बेलते हुए अच्छे से सेट कर देंगे और अब हम इसे तुरंत चाकू या पिज़्ज़ा कटर की सहायता से काट लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। साइड के कॉर्नर को हम निकाल कर अलग कर देंगे। काटने के तुरंत बाद ही मिठाई बनकर तैयार है। इसी प्रकार से बचे हुए डोसे भी हम मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। स-
सारी मिठाई हमने बना ली है। बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग ये मिठाई बनकर तैयार होती है। इस मिठाई को कोई भी आसानी से बना सकता है। 8 से 10 मिनट में मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। इस संक्रांति पर इस आसान सी तिल की मिठाई को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।